हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया दैट इज़ वी आई की 5G सिचुएशन में इंडिया में एज ऑफ नाउ कैसी है। जानेंगे क्या कुछ जो है आप लोगों को 5G डेटा प्लान्स मिल सकते हैं, क्या कुछ जो है आप लोगों को यहाँ पे प्राइजिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, किन सिटीज़ में जो है ये पहले रोल आउट हो जाएगा, और आपको जो है सिम कार्ड बदलने की ज़रूरत है या नहीं। बिकॉज आपका जो अभी जो है 4G सिम कार्ड है, तो 5G आएगा तो क्या नया सिम कार्ड लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। इन सारे सवालों के जवाब जो है दोस्तों मैं वीडियो में आप लोगों को एक एक करके जो है यहाँ पे देने वाला हूँ। नाउ बिफोर आई मूव ऑन दोस्तों, मैं आपको जो है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की थोड़ी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, बिकॉज फाइनेंशियल सिचुएशन जैसी होगी उस हिसाब पे जो है ये मालूम पड़ता है कि कंपनी कितना खर्चा कर सकती है अपने इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की सिचुएशन जो है एक ग्रेजुएट के जैसी है जो कि स्टूडेंट लोन लेके पढ़ रहा है और उसका पैकेज भी लगा है। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कम पैसों का लगा है, तो एक तरफ उसको लोन भी भरना है और उसको कमाना भी है। तो सेम सिचुएशन दोस्तों वोडाफोन आइडिया की है, उनके ऊपर लोन काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, जिसको जो है वो धीरे धीरे करके जो है निपटा रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो जो है दोस्तों यहाँ पे ये टेक केयर कर रहे हैं कि नई 5G इन्वेस्टमेंट जो हो बिल्कुल होती रहे। इससे होगा क्या कि वो पीछे नहीं पड़ेंगे। देखिए, एयरटेल हो गया और अपना जियो हो गया, ये तो 5G में दोस्तों धड़ाधड़ जो है चीज़ें करते जा रहे हैं। अगर इन्होंने कदम से कदम मिला के जो है 5G के साथ में इन्वेस्टमेंट नहीं किया यहां पर, तो दोस्तों ये पीछे पड़ जाएंगे और आगे चल के जो है ये लोग और गड्ढे में जा सकते हैं। तो यहां पे जो भी इनका इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, एक तो बहुत ही कम है, और कम है लेकिन थोड़ा मैं कहूंगा दोस्तों सेंसिबल है। ठीक है, जिस चीज की ज्यादा जरूरत है उन्होंने वो चीजें जो है यहां पे 5G में खरीदी है, उसके बारे में जो है मैं वीडियो में एट द लेटर पार्ट आप लोगों को यहां पे बताने वाला हूं। फिर एक बात यहां पे निकल कर आती है दोस्तों कि जिस चीज का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्या उस चीज का इतना ज्यादा इंपैक्ट हम लोगों पर पड़ेगा, राइट? ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग दो तीन पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। सबसे पहली बात दोस्तों, जो एंटायर इंडस्ट्री है, ठीक है, एंटायर एडवर्टाइजमेंट ले लीजिए, इवन 5G जो कंपनीज दे रही हैं वो ले लीजिए, उनका यही बोलना है कहीं ना कहीं कि AR VR जैसी जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं तेज़ हो जाएंगी, दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। लेकिन दोस्तों देखिए, एक होता है प्राइस टू बेनिफिट रेशियो, वो 4G का जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे निकल कर आएगा। देखिए, आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पब्लिक जो है दोस्तों क्रोम का यूज़ करती है, यूट्यूब का यूज़ करती है, व्हाट्सएप का यूज़ करती है, अपार्ट फ्रॉम दैट रेगुलर एप्स इन सब का तो यूज़ करती है। तो ये सब चीज़ें करने में दोस्तों 4G जो आपका नेटवर्क है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, अगर अच्छा 4G मिले तो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है लोगों को। ठीक है, लेकिन ये जो ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, जैसे क्रोम यूज़ करना, यूट्यूब यूज़ करना और आपका ब्राउज़र यूज़ करना, व्हाट्सएप यूज़ करना, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये हर कोई करता ही है, नो वन इज़ फोर्सिंग देम टू डू। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि चुनिंदा लोग ही जो है आप लोगों को यूज़ करते हुए देखने को मिलेंगे, उतना ज़्यादा जो है इनका कंज्यूमर बेस यहाँ पर निकल कर नहीं आता है। फिर दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि 5G का जो यूज़ है वो इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ये लोगों को इंडस्ट्री में पैसा लगाना है तो पैसा कहां से लाए? देखिए, इंडस्ट्री इनको पहले से जाके पैसा नहीं दे देगी, ले भाई तेरे 5G बेनिफिट्स के लिए पहले से पैसा ले ले और तू जो है उसका बेनिफिट हमको बाद में देना, ऐसा नहीं है। इनको उसके लिए पहले दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहां पे डेवलप करना होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? हम जैसी कॉमन जनता से जो है यहां पे आएंगे, जहां पे बेनिफिट तो कुछ देंगे दोस्तों, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है काफी ज्यादा जो है ये लोग यहां पे वसूल कर लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों इन छोटी सी बातों से आप लोगों को समझ में आया होगा कि 5G का वेट तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसका उतना ज्यादा जमीन आसमान का इंपैक्ट नहीं आएगा जैसे कि 3G से 4G में आप लोगों को जो है यहां पे देखने को मिल रहा था। फिर बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने कौन से 5G बैंड खरीदे हैं, इसको जो है थोड़ा यहां पे आप लोग ध्यान से सुनना, बिकॉज कुछ चीजें जो हैं इसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करेगी। तो दोस्तों, यहां पे दो बैंड होते हैं अपने अगर कॉमन क्लासिफिकेशन में हम लोग देखें, एक होता है सब 6 मिलीमीटर, एक होता है सब 6 वेव्स और एक होता है दोस्तों मिलीमीटर वेव। तो यहां पे दोस्तों इन्होंने सब 6 में खरीदा है N78 और मिलीमीटर वेव में खरीदा है दोस्तों N258। ठीक है, सब 6 का मतलब आप लोग ये जान लीजिए दोस्तों कि इसका जो है एरिया ऑफ स्प्रेड काफी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ज्यादा टावर लगाने की यहां पे कंपनीज को जरूरत नहीं है, इसकी रेंज काफी ज्यादा होगी, लेकिन दोस्तों स्पीड जो है कंपैरेटिवली आपको थोड़ी कम मिलेगी, 4G से ज्यादा मिलेगी, लेकिन जो प्योर 5G है उससे स्पीड थोड़ी कम मिलेगी। फिर आता है दोस्तों यहां पे आपका मिलीमीटर वेव, तो वहां पे जो है दोस्तों आप लोगों को स्पीड तो खतरनाक मिलेगी, लेकिन जो उसकी रेंज है दोस्तों वो कम होगी। तो इसलिए जो है यहां पे दोस्तों नंबर ऑफ टावर्स जो है आप लोगों को काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, मींस एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे हो सकता है 100-100 मीटर, 200-200 मीटर में जो है आप लोगों को टावर देखने को मिले अगर मिलीमीटर वेव एक पर्टिकुलर एरिया में यहां पर आता है। तो दो यहां पे दोस्तों इन लोगों ने बैंड खरीदे हुए हैं, एक सब 6 का, एक मिलीमीटर
मिलीमीटर वेव का, दैट इज एन 78 एंड एन 258। फिर दोस्तों इसी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो है निकल कर आती है कि क्या आपको अपना प्रेजेंट 4G सिम कार्ड जो है यहाँ पे बदली करना पड़ेगा, उसको 5G सिम कार्ड अलग से लेना पड़ेगा। तो ये जो है दोस्तों मैंने कंक्लूजन यहाँ पे निकाला है, इसको आप जो है बहुत ध्यान से यहाँ पर सुनिए। देखिए क्या होता है कि अगर आपका N78 बैंड है, दैट इज एक पर्टिकुलर एरिया होगा दोस्तों जहां पे सब-6 चलेगा, और पर्टिकुलर एरिया ऐसे होंगे दोस्तों जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम एरिया होंगे, कुछ शहरों के ऐसी लोकेलिटी जो काफी ज्यादा प्रीमियम है, तो वहां पे दोस्तों आप लोगों को जो है मिलीमीटर वेव दैट इज N258 बैंड का जो है सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो मिलीमीटर वेव यूज करने के लिए दोस्तों हो सकता है कि आप लोगों को जो है दोस्तों नया 5G सिम कार्ड जो है यहाँ पे आप लोगों को खरीदना पड़े, बिकॉज उसका बेनिफिट यही होगा दोस्तों, कंपनी यही बताएंगी कि आपको प्योर 5G स्पीड्स मिलेंगी विदाउट एनी लैग विदाउट एनी डिले, तो आपको अच्छी स्पीड मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग यहां पे सब-6 वेव बैंड दैट इज N78 यूज करते हैं, तो यहां पे दोस्तों आप लोगों को जो है प्रेजेंट जो 4G सिम कार्ड है वही आपका जो है यहां पे काम करेगा। तो ज्यादातर केस में दोस्तों आप लोगों को जो है सिम कार्ड बदलने की जरूरत नहीं होगी, और ये एप्लीकेबल है दोस्तों यहां पे शुरुआती दिनों में, ठीक है। शुरुआती दिनों में 5G जो है दोस्तों आप लोगों को मिलीमीटर वेव का नहीं, सब-6 वाले ही जो है यहां पे देखने को मिलेगा, तो उन दिनों में आपको जो है 4G सिम कार्ड आपकी कोई बदलने की जरूरत नहीं होगी, बस बशर्ते इतना है आपका जो मोबाइल है यहां पे 5G यहां पे सपोर्ट करता हो। फिर बात करते हैं दोस्तों यहां पे कि कौन से सिटीज में जो है ये पहले रोल आउट होगा। तो यहां पे दोस्तों देखिए रोल आउट जो है वोडाफोन आइडिया का आपको धीरे देखने को मिलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि सबसे टॉप टायर 1 सिटीज जो है वहीं पे आप लोगों को देखने को मिलेगा अक्टूबर 2022 के बाद में, ठीक है। अभी टेस्टिंग वेस्टिंग कर रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को अक्टूबर 2022 के बाद में जो है यहां पे देखने को मिलेगा। कौन सी सिटीज होंगी दोस्तों आप लोगों को भी पता होगी, लेकिन मैं आप लोगों को रिमाइंड यहां पे करा देता हूं। दिल्ली, मुंबई, पुणे, गुरुग्राम, हैदराबाद, चंडीगढ़, बेंगलुरु, लखनऊ, अहमदाबाद, गांधीनगर एंड जामनगर। तो ये सिटीज में जो है दोस्तों आप लोगों को यहां पे 5G रोल आउट जो है इनिशियली देखने को मिलेगा। अगर आप इन किसी भी सिटीज में रहते हैं दोस्तों तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में यहां पे जरूर लिखकर बताइए। फिर बात करते हैं दोस्तों यहां पे VI के ट्रायल जो है किन-किन सिटीज में हो गए हैं, ठीक है। ये 13 सिटीज में से कौन सिटीज हैं दोस्तों जहां पे VI ने सक्सेसफुल 5G ट्रायल्स यहां पे कर लिए है, दैट इज पुणे, बेंगलुरु, गांधीनगर। तो मोस्ट प्रोबेबली यहां पे जो है आप लोगों को पहले देखने को मिलेगा, और जहां तक मेरा अंदाजा है दोस्तों ये जो है आप लोगों को ज्यादातर पहले जो 2 सिटीज हैं दैट इज बेंगलुरु, पुणे एंड अहमदाबाद, यहां पे जो है आप लोगों को सबसे पहले 5G यहां पे देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसे स्टेट्स जहां पे 5G के बैंड्स इन लोगों ने खरीदे हुए ही नहीं है, ठीक है, जिस एरिया के लिए इन लोगों ने बिल्कुल नहीं खरीदे हुए हैं, दैट इज आसाम, हिमाचल, J&K, नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा। तो यहां पे दोस्तों कोई भी आपको जो है 4G देखने को नहीं 5G देखने को नहीं मिलेगा, ओनली जो है 4G आप लोगों को शुरुआती दिनों में जो है देखने को यहां पर नहीं मिलेगा। फिर आप लोग सोचेंगे कि हम जो है हो सकता है कि दूसरा सिम कार्ड में पोर्ट कर ले, लेकिन दोस्तों दूसरे सिम कार्ड में भी सिचुएशन सेम है। यहां पे आपको जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं और J&K, हिमाचल, ये सब जगहों पे जो है आप लोगों को कोई भी कंपनी की तरफ से 5G सर्विस जो है एज ऑफ नाउ स्टार्टिंग में प्रोवाइड जो है दोस्तों नहीं की गई है। तो डेफिनेटली उतने ज्यादा जल्दीबाजी में आप लोग जो है डिसीजन मत लीजिए कि 5G सिम कार्ड अगर जो है VI की तरफ से इन स्टेट में नहीं मिल रहा है तो हम किसी और में पोर्ट कर लेंगे। सब जो है यहां पे आप लोगों को सेम सिचुएशन में यहां पे देखने को मिल जाएगी। फिर बात करते हैं दोस्तों यहां पे प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग का दोस्तों मैं यहां पे जो आप लोगों के सामने प्राइस बिड कर रहा हूं वो काफी सोची समझी है, और मैं एक ही प्लान आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। देखिए बहुत सारे प्लान्स होते हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर प्लान विच 4G में आप लोग यूज करते हैं दैट इज 84 डेज वाला, जहां पे आप लोगों को अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 टेक्स्ट देखने को मिलते हैं, और साथ में अराउंड 1.5 GB का जो है दोस्तों पर डे डेटा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो दोस्तों सेम प्लान जो है आप लोगों को जो है 5G में पड़ेगा लगभग 1100 से 1200 रुपए में। फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों वहां पे जो डेली डेटा लिमिट है आप लोगों की 3.5 से 5 GB तक जो है यहां पे आप लोगों को देखने को यहां पर मिल जाएगी। तो यही कुछ जो है सिनेरियो होगा। बाकी 84 डेज हो गया, अनलिमिटेड कॉलिंग हो गया दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें जो है आप लोगों को यहां पे सेम देखने को मिल जाती है। दैट्स इट फ्रेंड्स। और फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे डाउनलोडिंग स्पीड की। तो टेस्टिंग के वक्त जो डाउनलोडिंग स्पीड्स हमारी निकल कर आई हैं दोस्तों दैट इज अराउंड 1.5 GBPS to 6 GBPS। तो इसी के अंदर बाहर जो है आप लोगों को डाउनलोडिंग स्पीड दोस्तों थियोरेटिकल देखने को पड़ेगी। याद रखिए दोस्तों दीज आर नॉट एट ऑल मैक्सिमम डाउनलोडिंग स्पीड, दीज आर थियोरेटिकल डाउनलोडिंग स्पीड इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो अभी से जो है दोस्तों उतना ज्यादा ओवर हाइप होने की कोई जरूरत नहीं है, बट स्टिल मेरा ऐसा मानना है दोस्तों अगर आप मोबाइल ले रहे हैं तो 5G मोबाइल ही एज ऑफ नाउ जो है आप लोग लें तो
तो ज़्यादा फ्यूचर प्रूफिंग जो है आप लोगों के लिए होगी, बिकॉज एक पर्टिकुलर हैंडसेट अगर मेरे जैसा नॉर्मल कंज्यूमर चलाता है दोस्तों तो 3 से 4 साल तक जो है आराम से खींच देता है, तो उस केस में तब तक जो है आप लोगों को 5G आराम से इंडिया में देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। एंड वंस अगेन दोस्तों उतना ज़्यादा जो है दोस्तों इतनी मैं कहूँगा हाइप्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है 5G के बारे में। एक अच्छा 4G अगर कंपनीज एज ऑफ नाउ इंडिया में देती हैं दोस्तों तो आई थिंक दैट विल बी मोर देन सफिशियंट। आपका क्या मानना है दोस्तों एंटायर 5G सिनारियो में मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।